नमस्कार, दिन का दूसरा पहर और जो बजने वाले हैं दोपहर के, तो और ये वक्त है मेरा गांव मेरा देश है के यूपी एडिशन का। और आज हम सीधे आपको लिए चलेंगे बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा में। बिथरी चैनपुर विधानसभा उन सभी विधानसभाओं में से एक है जहां भगवा ही भगवा लहरा था 2017 में। मतलब बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर हर जगह सिर्फ भाजपा का ही कब्जा दिखा था, तो 2017 की विधानसभा सीट पर। लेकिन उस वक्त ये भी तर्क दिए गए कि शायद ये मोदी लहर थी, लेकिन इस बार क्या लहर है क्या नहीं है और क्या 2017 की बिथरी चैनपुर विधानसभा 2022 की बिथरी चैनपुर विधानसभा से कितनी अलग है या फिर अलग नहीं है, इस बार आपको एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट बताता हूं कि बिथरी चैनपुर वो ऐसी विधानसभा है जहां से जो सिटिंग एमएलए है राजेश कुमार मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल, इनका टिकट कट चुका है। बीजेपी ने इस दफा इनको टिकट नहीं दिया है, तो मतलब बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो कोई और है, सिटिंग एमएलए इस बार प्रत्याशी नहीं है। क्या कुछ नाखुशी रही पार्टी आला कमान की, वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन 2017 की अगर बात करें तो पप्पू भरतौल साहब को 96,000 वोट मिले थे, 96,000 बंपर वोट मिले थे। बीरपाल सिंह यादव साहब को समाजवादी पार्टी से 76,000 वोट मिले थे। वीरेंद्र सिंह साहब हैं उनको 53,000 वोट मिले थे, ये बसपा से थे। पिछले थोड़ा सा इतिहास पर चलते हैं बिथरी चैनपुर के, तो 2007 की बात करूं धर्मेंद्र कश्यप साहब समाजवादी पार्टी से जीते थे। 2012 की बात करूं तो वीरेंद्र सिंह बसपा से जीते थे। 2017 की बात करूं तो राजेश कुमार मिश्रा पप्पू भरतौल साहब जो सिटिंग एमएलए हैं। अब यहां पर जो मेन जो टुकड़ियां हैं जो मेन वोटर हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, तो आपको बता दूं कि निर्णायक भूमिका में यहां पर 80,000 मुस्लिम रहते हैं। ये राजनीतिक पंडित बताते हैं कि 80,000 मुस्लिम जो है उनकी निर्णायक भूमिका रहती है और हार जीत में क्षत्रियों का भी अहम योगदान है। हार जीत में क्षत्रिय जो कि 50,000 की संख्या में वोटर हैं वो यहाँ पर अहम योगदान देते हैं। 40,000 वैश्य वोटर हैं, 25,000 यादव भी अहम हैं और 20,000 कुर्मी भी अहम भूमिका में रहते हैं। तो ये है बिथरी चैनपुर का हाल, जो सियासी हाल है। बाकी आपको अब तस्वीरों के साथ दिखाते हैं कि बिथरी चैनपुर आखिर दिखता कैसा है। तो ये लीजिए, डिजिटल दर्शन कीजिए आप बिथरी चैनपुर विधानसभा के, कि आखिर बिथरी चैनपुर विधानसभा दिखती कैसे है। ये बरेली की 9 विधानसभाओं में से एक विधानसभा है जहां 2017 में बीजेपी से पप्पू भरतौल साहब जीते थे और बम्पर वोट मिले थे इनको, 96,000 वोट मिले थे। एक तरफा मुकाबला कर दिया था, पूरी तरीके से एक तरफा मुकाबला कर दिया था। तो ऐसे में अब सीधे, क्योंकि सियासी जो गणित है वो आपको बता दिया है, सियासी जो राजनीतिक पंडित कहते हैं वो आपको बता दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत आखिर क्या है इसको हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी से बेहतर कौन समझा सकता है। आसिफ अंसारी साहब स्क्रीन पर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आसिफ जी आपका। आसिफ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, सर थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम सर। अब ये बताइए, शुरू करते हैं कार्यक्रम को। बिथरी चैनपुर विधानसभा में आप खड़े हैं, आपके आसपास काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, हालांकि कुछ बालक भी ज्यादा दिख रहे हैं। चलिए आसिफ जी, सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करेंगे कि माहौल आखिर है कैसा, माहौल क्या है। ऊपरी ऊपरी पहले बात करेंगे, ऊपरी ऊपरी चर्चा करेंगे, बाद में अंदर घुसेंगे, लेकिन पहले ऊपरी ऊपरी समझेंगे कि ऊपरी ऊपरी लोग क्या समझ रहे हैं, क्योंकि पप्पू भरतौल साहब का जो टिकट कट गया तो बीजेपी से इस बार जो दूसरे कैंडिडेट आए हैं मैदान में उनको लेकर जनता कितनी मतलब आश्वस्त है, सीधे बीजेपी के नाम पर वोट पड़ रहा है बिथरी विधानसभा में या फिर सपा की ओर जाएंगे बसपा भी है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये फैजपुर बिथरी 123 बिथरी विधानसभा इलाका है जहां पर मैं इस समय मौजूद खड़ा हूं, मुस्लिम गढ़ माना जाता है। फिलहाल यहां पर जो मौजूदा विधायक है राजेश अग्रवाल और पप्पू भरतौल यहां के विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते उनका टिकट कट दिया गया, साथ ही साथ यहाँ के क्षेत्र के लोग भी उनसे खास नाराज थे। यही वजह रहे कि राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल का टिकट काटा गया। फिलहाल इस जमीनी हकीकत को जानने आज खुद न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पहुंचा है, यहाँ पर तमाम दर्शक हैं, उनसे साफ तौर पर बात करेंगे कि इस बार जो रुझान है वो किस तरीके का रुझान है, उनके क्या उनके मुद्दे हैं। जी जी बात करिए, बात करिए और लोगों से ये जानने की कोशिश करिए कि माहौल इस बार क्या है, किसकी तरफ झुकाव देख रहे हैं आप लोगों का, बात करिए। जी जी मैं जानना चाहूंगा इस बार क्या माहौल है इस बार क्षेत्र का। देखिए माहौल क्षेत्र का जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब तक सरकार चल रही थी, क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो इन 5 सालों में तो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी तरह का कोई विकास जनता को नहीं देखने। विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल का टिकट क्यों काटा गया, क्या वजह रही है?
देखिए टिकट क्यों काटा गया ये वजह तो जो उनके शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों को मालूम होगा, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी में है तो हम आपको बताएं उनसे क्षेत्र की जनता नाराज थी, उनसे क्षेत्र की जनता खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बहुत, मैं आपको बताऊं लगभग ये जिस गांव में आप ये पितरी विधानसभा के 123 पितरी विधानसभा के ग्राम सैदपुर खजरिया उमरिया में आप लोग इस समय मौजूद है और यहाँ के ये लगभग 20-22 हजार आबादी का गांव है। आसिफ इनसे पूछे कि चेहरा बदल कर अब नाराजगी दूर हुई है कि नहीं, चेहरा बदल दिया बीजेपी, परेशान रहे हैं उनके कार्यकर्ता। हाँ सर, अब सर चेहरा बीजेपी ने बदला है तो कहीं ना कहीं खुशी भी आप लोगों में दिखाई दे रही साफ तौर पर, तो क्या लगता है कि इस बार चेहरा बदलने से बीजेपी अपना झंडा लहरा पाएगी? नहीं, चेहरा बदलने से दरअसल रणनीतियां नहीं बदलती हैं, चेहरा तो आपने बदल दिया है, अब चेहरा बदलने के बाद हमको कामयाबी अगर मिलती है तो उसके बाद पता चलेगा कि चेहरा बदलने का कोई फायदा हुआ या नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कामयाबी बितरी विधानसभा से मिलेगी। तो ये इनका साफ तौर पर बिथरी में कहीं ना कहीं नाराजगी, इनकी अपनी व्यक्तिगत नाराजगी है बीजेपी से और तमाम लोग हैं, विकास को लेकर यहाँ पर बात करेंगे कि किस किस तरीके से का विकास हुआ है पिछले कुछ वर्षों से बिथरी इलाके में, जो है विकास नहीं हुआ है, तमाम लोग हैं यहाँ पर, युवा भी है, बुजुर्ग। बिल्कुल आसिफ आगे बढ़ेंगे, आसिफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप भी मुझसे उससे पहले थोड़ी सी बातचीत कर लीजिए। आसिफ जी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आसिफ जी सबसे पहले तो मुझको ये समझाइए कि जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, जैसे पिछली दफा बीरपाल यादव साहब थे, बीरपाल सिंह साहब थे जो 76,000 वोट पाए थे लेकिन दूसरे नंबर पर रह गए थे, रनर अप थे, इस बार उनका क्या माहौल है, तो समाजवादी पार्टी का क्या माहौल है, और साथ ही साथ बसपा जो कि यहाँ ठीक ठाक प्रदर्शन करती ही रही है हर बार, उसका यहाँ पर इस बार क्या माहौल देखने को मिल रहा है, तो जो मुकाबला है मेनली फोकसली और स्पेसिफिक रूप से किन के बीच में है? मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा जो इस समय जो हालात हैं बिथरी 123 बिथरी विधानसभा का, यहाँ पर त्रिकोणीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में है कहीं ना कहीं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो बसपा के जो पूर्व विधायक रहे हैं वीरेंद्र सिंह के पुत्र इस समय आशीष पटेल इस मैदान पर हैं, साथ ही साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं आगम मोरिया वो भी इस मैदान में, तो अलका सिंह भी यहाँ पर मैदान है, हालांकि डॉक्टर है यहाँ पर नकार रही साफ तौर कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों की नाराजगी। फिलहाल तीनों ही जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है कहीं, और टिकट कटने के बाद यहाँ पर राजेश मिश्रा और पप्पू भड़ताल ने बगावत शुरू कर दी है, इसको लेकर बीजेपी के तमाम जो लीडर हैं वो यहाँ पर सीट जिताने के लिए कसमाकस कर रहे हैं और लगातार जो रूठे हुए प्रत्याशी हैं राजेश मिश्रा और पप्पू भड़ताल से मीटिंगें कर रहे हैं। फिलहाल राजेश मिश्रा का कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को विरोध का सामना करना पड़ेगा। जी देखिए जातिगत और जो अलग आंकड़े हैं अगर उन पर नजर डालें, अगर हम भी जो मैथमेटिक्स करते हैं अपना गुणा भाग जो करते हैं उस गुणा भाग पर अगर नजर डालें तो सबसे ऊपर तो मुझे दिख जाते हैं 80,000 मुस्लिम, ठीक है, जो निर्णायक भूमिका में है, जो 80,000 मुस्लिम वोटर्स हैं निर्णायक भूमिका में है। उसके अलावा दिखते हैं मुझे 50,000 क्षत्रिय दिखते हैं, 40,000 वैश्य दिखते हैं, 25,000 यादव दिखते हैं और 20,000 के लगभग कुर्मी दिखते हैं। तो अगर मैं इन सभी आंकड़ों पर देखूं और जिस पार्टी का जो कोर वोटर होता है उसकी तरफ ध्यान दूं तो बीजेपी का तो दिख नहीं रहा फिर, क्योंकि 80,000 मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है और कहा जाता है कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिल नहीं पाता है। जैसे कि बीजेपी की तरफ से एक नारा हुआ था सबका साथ सबका विकास, वो विकास तो नारा तो एक नारा बन के रह गया महाज, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से मुस्लिम लोग हैं वो कहीं ना कहीं भी राजेश मिश्रा से विरोध हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं पूर्व में धार्मिक त्योहार हुए थे, धार्मिक त्योहार के दौरान यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी थे विजय मुहर्रम के दौरान यहाँ पर उन्होंने अपना खास विरोध किया था, साथ ही साथ यहाँ पर हिंदुत्व के एक चेहरा बन के पप्पू भड़ताल उठे थे। फिलहाल जिसको लेकर यहाँ से रिपोर्ट उनकी लगातार जाती रही, जिसको इसके बाद उनका यहाँ से टिकट काट दिया गया, उसके बाद यहाँ पर जो मौजूदा एक प्रत्याशी है डॉक्टर उनको यहाँ पर टिकट दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम जो यहाँ पर मुस्लिम जो है इस सीट पर अपना एक अपना वर्चस्व रहता है, लेकिन ठीक है यही वजह है कि यहाँ ये बताइए क्योंकि आपने नारों का जिक्र कर दिया है जनता के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बीजेपी बात करती है तो ये आज के दौर में, आज की अगर मैं बात करूं, वो दौर खैर अलग था, लेकिन आज के दौर में बात करूं तो क्या जनता इसको एक्सेप्ट कर पाती है कि सबका विश्वास? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता जो है वोट वोट जो नेता लोग होते हैं वो वोट तो ले लेते हैं लेकिन वो नारा तो कहीं दिखाई क्योंकि मैंने आसिफ जी इसलिए बात कही क्योंकि शब्द जो है दरअसल शब्द आपको कैसे बताऊं, शब्द तो ब्रह्मा है,
ठीक है ना। अब गांधी जी जब कहते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता था कि ठीक है अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। जेपी साहब जब बूढ़े हो गए थे, उंगलियां नहीं चलती थी, तब मंच पर बैठकर लाखों की भीड़ सामने थी, खुद खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि आप डरो मत, घबराओ मत और खड़े हो जाओ, और लाखों लोग खड़े हो गए, क्योंकि उनके जो शब्द थे उन शब्दों में इतनी ताकत होती थी जो सच में लोगों के जहन में जाती थी, क्योंकि वो उन शब्दों को जीते थे। तो आज के समय में ये बात मैंने इसलिए छेड़ दी क्योंकि आपने नारों का जिक्र कर दिया, तो क्या आज के समय में नारों में उतना बल होता है कि जनता उसको एक्सेप्ट कर पाती हो? क्या पीछे खड़ा कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि सबका विश्वास वाली बात जो बीजेपी कर रही है, डंके की चोट पर कर रही है, ताल ठोक कर कर रही है, क्या उसका कोई मतलब है? जी मैं बिल्कुल, मैं इन लोगों से बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी बात कर रही है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है, मैं इन लोगों से बात करूंगा कि किस तरीके से वो नारा उन्होंने दिया है, क्या वो सबका साथ सबका विश्वास बात कर पाएगी? जी देखिए, बीजेपी का ये जो नारा है ना, सबका साथ सबका विश्वास, ये सिर्फ नारा ही है, बाकी इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। क्योंकि अगर सच्चाई होती तो मैं शेर आपसे कहना चाहूंगा कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ठीक है, एक काम करिए आसिफ जी, क्या मैं इनसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए डायरेक्ट बात कर सकता हूँ? पूरी बात होने दीजिए आप पहले। यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पानी पे पहरा लगाया, पानी को लिए रोका गया, इसी तरह से उसने आज मुहर्रम के त्योहार में हमारे ताजियों को रोका, और ताजियों को रोकने का सिला है ये असल में हुसैन पाक का ये सदका है, ये उनका पैदान है कि उन्होंने जो है इसको। ठीक है, हमें भी मालूम है हकीकत जन्नत की, ठीक है। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? साहब जी, सर आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, मेरा नाम कावेंद्र है, कावेंद्र चौहान है, आपका नाम क्या है सर? मैं हाफिज शराफत बोल रहा हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 2017 और 2022 में आज हम हैं, 2017 में 96,000 वोटों के साथ यहाँ का एक विधायक बनता है बीजेपी से, मतलब वोट गया है उनको, खूब सारा वोट गया है जी। इस बार 2022 है, लेकिन ऐसा क्यों बोला जा रहा है, राजनीतिक पंडित भी ऐसा बोल रहे हैं कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिलेगा ही नहीं, ये कब तक रहेगा, ऐसा कब तक चलेगा, ये बताइए। सर देखिए, बीजेपी का वोट मुसलमानों को नहीं मिलेगा, ये तो नहीं हो सकता ना कि मुसलमानों को वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं, मिलता भी है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी वोट मिला है, कुछ परसेंट, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, लगभग 10-12% वोट मुस्लिमों का जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, समझ गया साहब, अब जितने लोग आपके आसपास खड़े हैं, जितनी भीड़ खड़ी है, अधिकतर मुस्लिम है, आप किसी से भी पूछिए कोई बीजेपी को वोट देगा? ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सर। ठीक है, किसी से भी पूछिए कोई बीजेपी को वोट देगा? सर अब मैं आप खुद भी पूछ सकते हैं, आपके जो आप एक बार मेरी तरफ से पूछ दीजिए कि कोई भी बीजेपी को वोट देगा? यही तो मसला है जिस पर बसा पूरा सियासी गमला है। अब मेरी बात को आप समझिए कि जब तक आप सियासी रूप से मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, तब तक यही दिक्कत फंसती रहेगी, बीजेपी भी आपको आउटसाइड कर देगी, बीजेपी भी कहेगी कि हमें तो वोट ही नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट करता ही नहीं हमको, तो यही समस्या है। अगर मान लीजिए यादव बहुल कोई क्षेत्र है, वहां पर हम कहें कि अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे, और कोई है जो बीजेपी को वोट देगा, फिर भी वहां पर आधा दर्जन एक दर्जन यादव दिख जाएगा जो कहेगा नहीं हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन मुस्लिम क्षेत्रों में ऐसा क्यों नहीं है, ये कोर समस्या है, आप मेरी बात को समझिए। जी बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ इससे समस्या क्या होती है। आपकी बातों को और जितने लोग यहाँ पर खड़े थे सबकी बातों को अगर कोई गुप्ता जी सुनेंगे, अगर कोई अग्रवाल साहब सुनेंगे, अगर कोई भी सुनेगा, कोई ठाकुर सुनेगा, बनिया सुनेगा, केवट सुनेगा, मल्ला सुनेगा, कोई भी सुनेगा, वो कहेगा यार मुसलमान तो एक होकर एंटी बीजेपी है, तो इससे पोलराइजेशन होता है कि हम क्यों ना फिर बीजेपी को वोट दें। जी पोलराइजेशन होता है, ये बात आपकी जायज है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये बीजेपी क्या वर्सेस हिंदू है? नहीं वही मैं कह रहा हूँ, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी की जो प्रियंका गांधी जो प्रदेश अध्यक्ष है, क्या वो हिंदू नहीं है? मैं वही जानना चाहता हूँ कि बीजेपी 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 वर्सेस मुस्लिम कैसे है,
सर, ये आपको कौन टोपी पहना रहा है ये बताइए, बीजेपी वर्सेस मुस्लिम कैसे? सुनिए सर, सुनिए, सुनिए, अगर मौर्या जी 123 बिथरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? अगर गुप्ता जी सुनेंगे या यादव जी सुनेंगे या अदर ब्रादरी के साथ, मेरी बात को समझे, मेरी बात को समझे, आप मेरी बात ही समझे। मैंने इस पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, मैंने कहा मुस्लिम वर्सेज बीजेपी ये कब तक चलता रहेगा? मेरा ये कहना है मुस्लिम वर्सेज बीजेपी, मैंने वही आपसे पूछा सबसे पहले कि आज जितने लोग खड़े हैं कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है जो बीजेपी को वोट करेगा? होते हैं, हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ कोई भी व्यक्ति बीजेपी को वोट सर, मेरे पास जवाब है, अगर आप जवाब सुनेंगे मेरे पास जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी 2017 के बाद 2018 में मौजूदा विधानसभा बिथरी से मौजूदा विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल, इन्होंने इतना बड़ा विवाद किया है यहाँ, तो ताकत किसकी थी? बीजेपी की ताकत तो थी, ठीक है भाई, बीजेपी की ताकत थी ना, इस वजह से मुसलमान यहाँ का नाराज है ना, वरना बहुत से मुस्लिम उससे पहले इस गांव उमरिया के गांव के लोगों ने भी, बहुत से मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया है, ठीक है, बीजेपी और गंगवार जी आते थे उनको भी वोट मिला है, ठीक है, और दीक्षित हमारे यहाँ डॉक्टर बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं, उनके भाई प्रत्याशी बीजेपी से रहे, उनको भरपूर सम्मान के साथ लड़ाया गया, ठीक है, बीजेपी नहीं है। असल में अगर आज इस गांव से सर, इस गांव से अगर आज कोई वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पप्पू भरतौल ने पूरे मोहनपुर और उमरिया के और बिथरी विधानसभा के मुसलमानों पे बहुत जुल्म किए हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि ठीक है बीजेपी आप पसंद नहीं आया आपका, ठीक है, लेकिन बीजेपी नहीं तो फिर किसकी तरफ झुकाव हो रहा है? बीजेपी बीजेपी पसंद है, लेकिन जो बीजेपी से चुनके विधायक आते हैं जनता के बीच कभी ना कभी, अच्छा अच्छा, मतलब स्थानीय स्थानीय जो विधायक है उनसे नाराजगी है, प्रदेश नेतृत्व से नाराजगी नहीं है? नाराजगी रहती है, बीजेपी ने आज तक ऐसा नहीं, बीजेपी ने मुसलमानों के साथ कोई गलत नहीं किया है, बीजेपी ने तो इतने फायदे कराए हैं मुसलमानों के, अगर आप फायदे पूछे तो मैं फायदे भी गिनाऊंगा, ठीक है, फायदा नहीं पूछूंगा खैर, लेकिन अब ये बताइए कि इस बार आप जो क्षेत्र के लोग हैं, जो आपके लोकल क्षेत्र के लोग हैं, वो किसको वोट करने जा रहे हैं, किसकी तरफ झुकाव है इस बार? देखिए हमारे लोकल क्षेत्र के तो इस समय त्रिकोणीय चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी और अगम मौर्या जी समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और कांग्रेस से जो आईएमपी समर्थित प्रत्याशी हैं, मतलब आईएमपी का समर्थन भी है उनको, मौलाना तौकीर आजाद साहब का, जो उनका भी अच्छा खासा बरेली। अच्छा एक बात और समझाइए, थोड़ा सा जमीनी बात करता हूँ, एक बात और समझाइए कि आजकल तो है क्या, आजकल नेता कोई भी बात अगर आपको कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे वो काम कर देंगे या हम आपको ऐसे करना है आपको वैसे करना है, तो क्या उसको जनता मतलब एक्सेप्ट कर पाती है? सर मैं ये इतना जरूर कहूंगा कि नेता वादे तो करते हैं लेकिन वादों पर कभी खरा नहीं उतरते हैं, और जनता को एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास कुछ है क्योंकि, नहीं सर। क्योंकि ऐसा है ना, नेता लोग क्या है, खुद तो उस चीज को फॉलो नहीं करते लेकिन प्रीच बहुत करते हैं, पाठ बहुत पढ़ाते हैं, जी है ना, जी जी। तो उसी चीज को लेकर पूछ रहा था, एक बचपन का किस्सा भी याद आ गया, सालों में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष सरकार रही, 5 सालों में विधायक निधि से आप हमारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कोई एक सड़क बनूंगी दिखा दें, कोई एक कार्य दिखा दें, आप घूम के मैं साथ चलूंगा किसी गाँव में, तो नहीं आजकल आजकल वही समस्या है ना कि आजकल बातें बहुत है लेकिन बल नहीं है, ताकत नहीं है, खुद तो फॉलो करना नहीं है, ठीक है ना। अब समाज से जितने भी नेता मंत्री आपके आसपास दिखते होंगे सब समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, कल तक जो लस्सी बेचते थे आज उनके पास 500 करोड़ की संपत्ति हो गई समाज सेवा करते करते, ठीक है ना, कल को जो कान साफ करने वाली दवाइयां बेचते थे उनके पास भी नेतागिरी में गए तो करोड़ों रुपया कमा लिया। अब ऐसे अब चलिए आपसे बातचीत हो ही रही है, थोड़ा सा व्यवहारिक हो गया आपसे मामला। देखिए सर मैं बस एक जुमला और आपसे कहूंगा, जो गरीब थे इस वक्त, जो गरीब थे 2021 के आंकड़े आप उठाकर देखिए अब तक 2022 तक, जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, और जो अमीर थे जो उद्योगपति थे वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। हमें हमारी गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे कांग्रेस की बने या समाजवादी पार्टी की सरकार बने, जो भी सरकार बने वो गरीबों के मुद्दों की बात करें और गरीबों के हक की लड़ाई लड़े, और जो गरीबों के हक की लड़ाई लड़ता है हम लोग उसके साथ। अरे गरीबों के हक की लड़ाई आज के समय में मियां साहब लड़ता कौन है? मैं तो अपने 7 साल के पत्रकारिता के अनुभव में वो मुसलमान नेता ढूंढ रहा हूँ जो मुसलमानों की सेवा करते 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 करते
खुद तो इतना मेवा खा लिया कि घर में इटली से आया हुआ बर्तन है, सुबह जो दूध आता है वो भी पता नहीं कहाँ का आता है, बढ़िया कप प्लेट है, वो आज मुसलमानों के साथ जो सच में मुसलमान जो परेशान है निर्धन है उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाता है, ठीक है ना, तो वो मुसलमानों की सेवा करते करते कहाँ पहुंच गया, लगभग 3,52,000 कुछ बोर्ड है बिद्री विधानसभा के अंदर। हाँ। अब आप बताइए पूरे बिद्री विधानसभा में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज है भाई, मैं आपसे व्यवहारिक इतना हुआ हूँ, मैं आपसे इतना व्यवहारिक हो गया इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको ठीक है सामान्य ज्ञान जो है मेरा वो भी आपको देता चलूं। आपने जो टोपी लगाई है ये टोपी आपके इलाके की किसी मार्केट की दुकान की होगी, बोलिए हाँ जी बिल्कुल। और आप ही के जो मुस्लिम नेता है जो टोपी पहनते हैं वो भी यहाँ से नहीं आती है, वो भी बनारस में कम से कम 20-25 कारीगर उसको बुनते हैं तब वो टोपी तैयार होती है, तब वो टोपी लगाते हैं नेताजी, समझे ना। और बचपन का एक किस्सा याद आ गया तो वो बताता चलूं फिर आगे बढ़ूंगा आपसे। बचपन में मेरे दांत में कीड़ा लग गया था, टॉफी बहुत खाता था जी। तो पिताजी अस्पताल में लेकर गए तो डॉक्टर साहब से कहा कि इसके दांत में कीड़ा लग गया है, तो डॉक्टर साहब ने कहा एक काम करिए 15-20 दिन बाद आना। तो 15-20 दिन के बाद जब मैं दोबारा पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि देखो टॉफी खाना बंद कर दो वरना दोबारा कीड़ा लग जाएगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि 15-20 दिन बाद फिर बुलाया क्यों जब यही बात बोलनी थी, तो 15-20 दिन बाद क्यों बुलाया। तो मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब ने क्या कहा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं खुद टॉफी खाता था तो पहले मैंने खुद टॉफी खाना छोड़ा तब मैं इससे बोल पाया ना, ये बात है ना। तो जो खुद नहीं कर सकते उसको प्रीच करते हैं आजकल लोग, जब तक हम खुद अमल नहीं करेंगे बिल्कुल सामने वाले को हमारे बोलने की हमारी हैसियत बिल्कुल। अब मेरी बात समझिए आप, मैंने आपको इतना बड़ा जो पाठ पढ़ाया, इतना ज्यादा समय लेके जो आपसे बातचीत की पाठ पढ़ाया उसका लबुलवा बस इतना था कि आप विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव सर पर आते हैं, जैसे ही नेता की चार रैलियां होती हैं, चार हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते हैं, वैसे ही पता है मुद्दे क्या होते हैं, जिन्ना होता है, पाकिस्तान होता है, ठीक है ना, ये बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई मासूम है, एक दस सेकंड और ऐसा नहीं है साहब कि कोई मासूम है, अखिलेश यादव ऐसा नहीं है कि मासूम है, वो जानबूझकर जिन्ना शब्द का प्रयोग करते हैं, जानबूझकर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि वो छौंका मार देते हैं और उसको सब्जी बनाने का काम करती है बीजेपी। देखिए सर, हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में ही रहेंगे और हिंदुस्तान में ही मरेंगे, कोई पाकिस्तान जाने वाला नहीं। ये तो नेताओं के सिर्फ अपनी अपनी वोट की रोटी सेकने का काम कर रहे हैं कि जिन्ना या फिर पाकिस्तान। अरे क्या लेना भाई, भारत के मुसलमानों का क्या लेना जिन्ना से। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और चुनावों में मियां साहब अगर भारत में चुनाव होते हैं तो पाकिस्तान कराची में नहीं रहता, पाकिस्तान इस्लामाबाद में नहीं रहता, पाकिस्तान थोड़े दिनों के लिए यहां आ जाता है। अब 10 मार्च तक पाकिस्तान भारत में रहेगा, उत्तर प्रदेश में रहेगा 10 मार्च तक, लोग हैं वो लेकर और पिसते हैं आप लोग। हम जनता को तो सिर्फ दो रोटी और दो कपड़े की जरूरत है बिल्कुल। चलिए बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा सच में। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। चलिए हमारे रिपोर्टर साहब को पकड़ा दीजिए जरा, ये कान में जो ध्वनि यंत्र है। जी सर, आसिफ साहब बहुत मजा आया आपके जो साथी से जो आपने बात कराई जिनसे। अब आसिफ साहब पूरी बातचीत तो हो गई लेकिन अब आप ये बताइए कि इस वक्त अगर मैं बिथरी चैनपुर की बात करूं तो यहां पर बिथरी चैनपुर में क्या ऐसा कुछ लगता है, एक साइलेंट वोटर का बड़ा फैक्टर है, ठीक है, साइलेंट वोटर कुछ ऐसे होते हैं जो आखिरी वक्त पर कमाल कर देते हैं, ठीक है ना, तो आखिरी वक्त पर कमाल करने वाला कोई ऐसा वोटर तो नहीं बैठा है। क्योंकि देखिए मैं एक बात बहुत साफ बता दूं, लोग कहते हैं कि अरे भाई भाजपा भाजपा दिख रही है, भाजपा भाजपा रिपीट करेगी, मुझे नहीं लगता ऐसा बिल्कुल, क्योंकि 2007 के चुनाव में जो बसपा ने कर दिखाया, हर तरफ बसपा 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 बसपा, आज कहां है बसपा, 2012 में सपा सपा सपा, 2017 में भाजपा भाजपा भाजपा, तो जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट का आखिरी ओवर होता है तो कभी कभी तो 6 बॉल पर 36 भी बनते हैं, कभी 6 बॉल पर 3 भी नहीं बन पाते। तो ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि बरेली जो है, मैं 9 विधानसभा का पूरा समेट देता हूं, बरेली में कुछ अलग हो सकता है।
जी स्वागत जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा बरेली की 9 विधानसभा सीट है, जिसमें से फैजपुर की अगर सीट पर बात की जाए तो फैजपुर एक सीट जो है वो एक सीट अहम रोल माना गया है, क्योंकि इस सीट से जो भी आज तक प्रत्याशी जीता है वो कहीं ना कहीं उस सरकार उसकी सरकार बनी है। फिलहाल सुरक्षित सीट है, यहाँ पर इस समय मौजूदा जो विधायक है वो श्याम बिहारी लाल है, भाजपा के हैं, प्रोफेसर है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो विजय पाल है, दोनों ही कद्दावर नेता माने गए, लेकिन कहीं ना कहीं सियाराम सागर भी के परिवार का भी एक अपना अलग किरदार रहा है, लेकिन इस सीट से जो भी आज तक विधायक बना है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में जाके उसकी सरकार बनी है। फिलहाल अब बित्री की अगर जिक्र किया जाए तो बित्री का भी यही हाल है कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक है राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल। अच्छा, अगर आसिफ साहब लोकप्रियता की बात की जाए, अगर नेताओं की लोकप्रियता के आधार पर अगर हो सकता है तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि पप्पू भरतौल साहब की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। मतलब बरेली में अगर प्रियंका चोपड़ा के अलावा और किसी को लोग जान पाते हैं इधर उधर के, तो जानते हैं पप्पू भरतौल साहब भी हैं, तो प्रियंका चोपड़ा के बराबर उनकी लोकप्रियता है एक तरफ से सियासी रूप से देखें तो ऐसे में जब लोकप्रियता इतनी ज्यादा है तब भी उनका पर्चा खर्चा सब काट पीट के बीजेपी ने अलग कर दिया। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी जी बित्री में जब पप्पू भरतौल क्या कहते हैं सियासत में उन्होंने कदम रखा था तो उन्होंने एक नारा दिया था, न गोली न पिस्तौल, बित्री में सिर्फ पप्पू भरतौल। अब ये नारा भी बदल गया जी, ये एक नारा बहुत अहम था और टेलीविजनों के भी बड़ा हेडलाइंस बना था, और उसके बाद जिस तरीके से उनका टिकट कटा तो उसका ये नारा चेंज हो गया, अपना गोली न पिस्तौल साफ हो गए पप्पू भरतौल, अब ये नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पप्पू भरतौल की जो विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, यहाँ की जनता किसकी ओर झुकाव महसूस कर रही है किसकी ओर नहीं, कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा के साथ, वहां की बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। 10 मार्च तक का इंतजार, तब तक कार्यक्रम यूं ही चलेगा जोरदार। शुक्रिया।